जिसमें प्राइस पे मैं परचेस करता हूँ वो मेरे लिए क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। अब जब मुझे बिजनेस करना है तो डेफिनेटली मेरा बिजनेस का पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। जिस भी प्राइस पे मैंने किसी प्रोडक्ट को परचेस किया, कॉस्ट प्राइस पे परचेस किया, तो अगर मुझे अपने बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी चाहिए तो डेफिनेटली मुझे अपने इस कॉस्ट प्राइस में कुछ प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली जब मैं कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ऐड करके जब किसी प्रोडक्ट को सेल करता हूँ तो वो आपका बनता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट भी हो सकता है, ये आपका प्रॉफिट के केस में होगा। अरे और यही चीज अगर आप लॉस की बात करते हो, जब आपका कोई प्रोडक्ट लॉस में सेल होता है तब यही सेलिंग प्राइस जो है आपका प्रॉफिट अरे उन्होंने दिल यहाँ पे डरे दिल माइनस लॉस हो जाता है। अरे ठीक अब उधर लाइट होते हैं अरे कौन घर की बातें मत सुनाया करो, इसको म्यूट कर दिया करो। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है सीपी माइनस लॉस। अब आप मुझे एक चीज बताना, जैसे सपोज करो मैंने एक प्रोडक्ट परचेज किया, मेरा कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज और मैंने उस पे 50 रुपीज का प्रॉफिट बनाया, प्रॉफिट 50 रुपीज का, अल्टीमेटली मेरा सेलिंग प्राइस जो बना वो 150 का बना। तो जब भी कभी आपको कोई पूछेगा कि आपका बिजनेस कितना परसेंट प्रॉफिट दे रहा है, आप हमेशा क्या बोलते हो कि भाई मैंने 100 रुपये का वो प्रोडक्ट परचेज किया और 50 रुपये का मुझे प्रॉफिट मिल गया, मतलब तो आधे का प्रॉफिट मिल गया ना सीधा, तभी मैंने उसको 150 पे सेल किया। तो आप बोलोगे मुझे 50 का प्रॉफिट हुआ मेरी 100 की कॉस्ट के ऊपर, तो मैंने जितनी भी कॉस्ट लगाई उसके ऊपर 50 का प्रॉफिट हुआ, तो आप इसको कट करके बोलोगे कि मुझे 50% का प्रॉफिट हुआ। आप ये तो नहीं कर सकते 50 आउट ऑफ 150 इनटू 100, आप सेलिंग प्राइस पे तो नहीं निकाल सकते ना कोई प्रॉफिट, क्योंकि आपका बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट रहा है वही इन्वेस्टमेंट के बेस पे आप प्रॉफिट डिटरमाइन करते हो। ठीक है, तो इससे आपको एक फैक्ट हमेशा ध्यान रखना है, प्रॉफिट लेस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, ये बहुत नॉर्मल सी आपको बात लग रही होगी, लेकिन जब प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो जितने भी लोग गलती करते हैं ना क्वेश्चन में, उनमें से 90% का प्रॉब्लम यही होता है, उनको ये नहीं पता होता कब मुझे कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट काउंट करना है, अब सेलिंग प्राइस पे कर देते हैं कई बार ना। तो इससे आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि प्रॉफिट, इधर आपका प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, ऑलवेज काउंट ऑन योर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, समझ आया ये चीज किसी को, के लिए अभी डाउट है तो बता दो मुझे, मतलब 19 लोग हैं, कोई हुआ भी नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूँ मतलब। नहीं सर, आ गया सर, क्लियर हाँ है सर। बता दो, आप लोग थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करते हो तो मुझे भी हिम्मत बढ़ता है पढ़ाने का, ऐसा साइलेंस में तो मुझे लगता है ना मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ। चलो, आपको कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का और सेलिंग प्राइस का रिलेशन समझ आ गया। जब आपको वो रिलेशन समझ आ गया तो अब आपको एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, एक हमारा ना सेलिंग प्राइस होता है और एक हमारा होता है एमआरपी। ठीक है, एसपी सेलिंग प्राइस और एक आपका होता है एमआरपी। एमआरपी को क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या होता है इसका, मैक्सिमम स्मार्ट रिटेल रिटेल प्राइस। प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस।
लॉस के बहुत सारे क्वेश्चन में ना आप इन दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगे, सेलिंग प्राइस और एमआरपी में। हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप विदाउट डिस्काउंट कोई प्रोडक्ट सेल करते हो, ये चीजें बहुत ध्यान से सुनना, डिस्काउंट वाले चैप्टर उस कंसेप्ट में ना बहुत प्रॉब्लम करता है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट विदाउट डिस्काउंट सेल करते हो तब आपका एमआरपी ही सेलिंग प्राइस होता है। फॉर एग्जांपल, आप एक चिप्स का पैकेट परचेज करते हो, उस पे एमआरपी डाला हुआ है 25, वो आपको 25 रुपीस का अगर दिया तो यही आपका एसपी हो गया, है ना। वैसे ही हम कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह परचेज करते हैं, कोई ड्रिंक परचेज करते हैं, उसका हाफ लीटर पे प्राइस पड़ा हुआ है 40 रुपीस, आपको 40 रुपीस का ही उसने दे दिया उठा के, तो भी ये एसपी बन गया एमआरपी। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट डायरेक्टली पैकेट प्राइस पे सेल होते हैं एमआरपी पे, तो उनका उस केस में एमआरपी ही सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। जब आप किसी प्रोडक्ट को विद डिस्काउंट सेल करते हो, ठीक है, तब आपका एमआरपी माइनस डिस्काउंट, ये चीज नोट करते रहना आप लोग, तब आपका सेलिंग प्राइस बनता है। एमआरपी माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, जब आपकी डील जो है वो विद डिस्काउंट हो रही है, और विदाउट डिस्काउंट के केस में एमआरपी ही सेलिंग प्राइस होता है। इसका एग्जांपल अगर आप लोगे, कहीं आप शोरूम में जाते हो, एक ट्राउजर परचेज करना है जैसे मुझे, उसका एमआरपी डाला हुआ उसने 5000, 5000 का एमआरपी डाला हुआ है, उसके बाद वहां पर ऑफर लिखा हुआ है कि इस पर डिस्काउंट चला है 40% का, 40% मतलब 5000 में से, और 5000 का 40% कितना होता है 2000 माइनस करोगे और अल्टीमेटली जो आपको प्राइस मिलेगा वो 3000 का आप उस शर्ट ट्राउजर को परचेज करते हो, और उस केस में ये आपका सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस बेसिकली वो वैल्यू है जो कस्टमर डायरेक्टली और वो अल्टीमेटली एक शॉपकीपर को पे करता है। अब वो डायरेक्टली एमआरपी के केस में भी हो सकता है जहाँ पर कोई डिस्काउंट नहीं है, और आपका विद डिस्काउंट भी हो सकता है जहाँ पर एमआरपी बढ़ा के लिस्ट किया हुआ है और उसके बाद कुछ डिस्काउंट दिया आपने, तो आपने वो डिस्काउंट माइनस किया इसमें से, और उसके बाद उसको जिस प्रोडक्ट जिस वैल्यू पे आप कस्टमर को डिलीवर कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर सेलिंग प्राइस विद डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? तो इससे आपको एक चीज और समझ आई होगी, पिछले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज काउंट ऑन योर सीपी, इस वाली स्लाइड से आपको एक चीज समझ आएगा, डिस्काउंट आर ऑलवेज गिवन ऑन व्हाट, एमआरपी कर रहे हो, एसपी कैसे हो सकता है, एसपी तो ये इस पे डिस्काउंट थोड़ी दोगे, एमआरपी पे दोगे। एमआरपी या इसको हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, कुछ क्वेश्चनों में आपको ये लिस्ट प्राइस बोलेगा और कुछ केस में आपको एमआरपी बोलेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि डिस्काउंट आर ऑलवेज गिवन ऑन योर एमआरपी या फिर लिस्ट प्राइस, क्योंकि ये तो यही छोटी छोटी चीजें है ना, आगे जाके क्वेश्चन गलत कराती हैं हमसे ना। हाँ, पीछे वाले स्लाइड पे एक चीज और ध्यान रखना, मैंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज काउंट ऑन योर कॉस्ट प्राइस। एक चीज इसमें और ध्यान रखना, अंटिल अनलेस इट इज नॉट, सॉरी, given in the question to calculate profit loss
ओन सेलिंग प्राइस। कई बार आपको ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, जहां पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो सेलिंग प्राइस पे भी काउंट करने के लिए बोलेगा, लेकिन वहां पर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आपको क्वेश्चन में बोलेगा 10% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, तो तभी आपको सेलिंग प्राइस पर लेके चलना है, अदरवाइज वो हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस पे काउंट होगा। ठीक है, मैंने इसमें आपको टाइप्स ऑफ कुछ वो बताता हूँ कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये चार पांच टाइप का अगर आपको सॉल्व करना आ गया तो किसी भी तरह के किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं प्रॉफिट एंड लॉस में ना। जैसे एक आपका सीपी, आपका प्रॉफिट या लॉस होगा उस पर कुछ, ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट लॉस परसेंटेज होगा, और अल्टीमेटली वो एक एसपी पे सेल हो जाएगा वो प्रोडक्ट ना। तो जैसे सपोज करो मैंने एक प्रोडक्ट परचेज किया 80 रुपीस का, 80 रुपीस का मैंने एक प्रोडक्ट परचेज किया, इसमें मुझे 15% का प्रॉफिट है, तो आप उसका अगर आपको दो इन्फॉर्मेशन गिवन है, सीपी गिवन है और प्रॉफिट पार्ट गिवन है, 15% का प्रॉफिट है, तो आप एसपी बड़े इजीली निकाल सकते हो। तो आप क्या करते हो, इसमें 80 रुपीस पे 15% का प्रॉफिट मतलब होता है 15% ऑफ 80, 15% ऑफ 80 कितना होता है 12, यहाँ आपको 12 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो 80 पे आपने जब 12 का प्रॉफिट किया तो इस प्रोडक्ट का आप सेलिंग प्राइस जो बनाओगे 92, ठीक है। अब आपको मैं ना इस पे एक मार्क कर दे रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैंने क्वेश्चन में गिवन थी और फिर उसके बाद आपने जो निकाला, ताकि आपको पता रहे कि क्या आपको गिवन था क्या आपने निकाला। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी जो बॉक्स में, ठीक है, बाकी की आपने फाइंड आउट की है। वैसे ही अगर इसी क्वेश्चन को लॉस के एस्पेक्ट में पूछता, बोलता रुपीज 120 का आपने एक प्रोडक्ट परचेज किया और 12% का आपको लॉस हुआ, तो 12% ऑफ 120 कितना होगा 14.4 हो गया। तो 14.4 का आप लॉस कर रहे हो आउट ऑफ 120, तो सेल कितने का करोगे, ये हुआ ना 105.6। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हुआ सीपी प्लस प्रॉफिट और यहाँ पर सीपी माइनस लॉस, एक तो हो गया ये वाले टाइप का प्रॉब्लम। सेकंड सीपी प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, एक आपको बोला कि आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है 65 रुपीज का, ठीक है, और आप उसको सेल कर रहे हो 91 रुपीज पे, रुपीज 91 पे, तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो प्रॉफिट है। तो 65 माइनस 91 माइनस 65 कितना होता है 26, 26 रुपीस का प्रॉफिट है, और मैंने प्रॉफिट क्या बोला आप किस पे काउंट होता है प्रॉफिट उस प्राइस पे, तो आप बोलोगे 26 is what percent of 65 into 100
तो ये आपका आ जाएगा 40%। यहाँ आप बोलोगे 40% का मुझे प्रॉफिट हुआ। इसी चीज को आप अगर बोलते रुपीज 78 पे परचेज किया है ना, रुपीज 52 में सेल कर रहे हो आप, तो यहाँ लॉस वाला केस हो गया। यहाँ पर क्या आता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होना है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये दो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन थी, बॉक्स वाली एक ये और एक ये वाली। यहाँ 78 रुपीज में परचेज किया आपने सीपी में और 52 में आप सेल कर रहे हो, तो इसका मतलब ये आपका लॉस है वो कितने रुपए का है, ये भी 26 रुपीज का लॉस है। लेकिन दिस 26 आउट ऑफ 78 आप चेक करोगे, तो 26 आउट ऑफ 78 इनटू 100 जो होता है वो होता है 1/3, और 1/3 का वैल्यू होता है 33.3% का लॉस हुआ है। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट था, यहाँ लॉस हुआ है, तो तभी ये सीपी माइनस लॉस जो है ये 52 बना। ये आपका एक अलग टाइप का प्रॉब्लम है। देखो वहां पर हमें परसेंटेज फाइंड करना था, यहाँ पर हमें सॉरी परसेंटेज गिवन था, यहाँ परसेंटेज फाइंड करना था। अब आ जाओ तीसरी प्रॉब्लम पे, जहाँ आपको बोला सीपी लॉस परसेंटेज इंडस्ट्री, आपको बोलता है कि 36 रुपीज का प्रॉफिट है मेरे को, रुपीज 36 का प्रॉफिट है, और ये बोलता है का प्रॉफिट है। सिर्फ ये दो इन्फॉर्मेशन मुझे गिवन है। आपको बोला कि मुझे 50, मतलब जैसे मैं एक शॉपकीपर हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं जो भी कमोडिटी मैंने परचेज किया किसी प्राइस पे, तो मुझे उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है और वो 36 रुपए, तो उससे मुझे बताना होता है मेरा कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, मतलब मैंने कितने पे उसको परचेज किया होगा। यहाँ पर आपको ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। जब आपको ये पता चल रहा है कि 15% का प्रॉफिट इज इक्वल टू 36 है, तो मैं बोल सकता हूँ दिस रुपीज 36 इज 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस, क्योंकि प्रॉफिट किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो इसमें आप करोगे 36 डिवाइडेड बाय 15 इनटू 100 एंड दिस विल बी इक्वल टू 240। अगर ये 240 है और 36 रुपीस का प्रॉफिट है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 276। वैसे ही आप लॉस वाले केस में करोगे, अगर मैं इसी को लॉस बोलता तो बस कॉस्ट प्राइस, चलो कोई और नंबर लेके करते हैं, बोलता है कि रुपीस 21 का लॉस है, ये भी 15% का लॉस है। तो आप इसमें यही बोलोगे ना, दिस 21 इज 15% ऑफ सीपी, वहां पर आप करोगे 21 डिवाइडेड बाय 15 इनटू 100, ये कितना आ जाएगा, 140। ये आपका 140 आएगा, और एसपी कितना आएगा, लॉस के माइनस में क्या होता है, लॉस के केस में सीपी माइनस लॉस इज इक्वल टू एसपी, तो एसपी हो जाएगा आपका 119। ये आपका थर्ड टाइप का प्रॉब्लम हो गया, जहां ना आपको सीपी गिवन था, ना ही आपको एसपी गिवन था, जस्ट आपको गिवन था कि प्रॉफिट वाला पार्ट कितना है और उसका परसेंटेज वैल्यू कितना है। तो आप बोलोगे जो भी प्रॉफिट वाला पार्ट है वो उस परसेंटेज के इक्वल होगा, उससे आप सीपी निकाल दोगे, क्योंकि सीपी इज ऑलवेज आपका 100%, क्योंकि जिस भी वैल्यू का आप कोई परसेंटेज काउंट करते हो उसी को 100% होते हैं ना, तो सीपी को आप यहाँ 100% काउंट करते हो। तो जब आपको 15% का वैल्यू इतना गिवन है, 100% निकाल दोगे तो सीपी आ जाएगा।
बीच बीच में जिसके यहाँ भी गाने गा रहे हैं ना, थोड़ा म्यूट कर दो प्लीज। चलो ये थ्री टाइप का हो गया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद एक होता है जब आपको बोलता है आपने किसी सीपी पे कोई प्रोडक्ट को परचेस किया, बोलता है 25% का प्रॉफिट है, 25% का प्रॉफिट, और बोलता है उस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो 15 रुपीज का, तो बोलता है कि सीपी इसका क्या रहा होगा। अब इसमें लोग गलती पता क्या कर देते हैं, मैं बार बार जो सीपी सीपी बोल रहा हूँ ना कि सीपी पे प्रॉफिट लॉस काउंट होता है, सीपी पे काउंट होता है, यहाँ गलती ये कर देते हैं, उनको लगता है कि 25% का प्रॉफिट हो गया अगर 15 पे सेल कर रहा है, तो 25% अगर आप यहाँ से कम कर दोगे तो सीपी आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, आप क्या करते हो कि सीपी अगर आपका 100% रहा होगा, तो 25% का अगर प्रॉफिट है आपको, तो एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, ये कितना हो जाएगा 125%, और 125% इज इक्वल टू रुपीज 15। यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन थी, ये वाला इन्फॉर्मेशन गिवन था, तो आप बोला कि 125% ऑफ सीपी इज इक्वल टू रुपीज 15, और इसको आप सॉल्व करोगे 15 डिवाइडेड बाय 125 इनटू 100 करोगे, तो आपको इससे सीपी निकल के आएगा जो होगा रुपीज 12। ठीक है, वैसे ही लॉस का केस है, अगर यहीं पे 25% का लॉस बोला होता, बोलता 25% का लॉस है और रुपीज 15 पे सेल किया है, अगर ये लॉस वाला केस होता तो तब भी आप ऐसे करते, इसको 100% ही रखते सीपी को, 25% का लॉस होता है, एसपी आपका सीपी माइनस लॉस होता है, तो तब उस केस में ये 75% के इक्वल हो जाता है, तो 75% इज इक्वल टू 15, तो आप उससे सॉल्व करते 15 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100, से आपका सीपी निकल के आता रुपीज 20। अब ये चारों मैंने प्रॉब्लम बताई आपको, अगर इस किसी भी प्रॉब्लम में से अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज मुझे अभी बता दो, क्योंकि यही चार तरह की प्रॉब्लम पे पूरा प्रॉफिट लॉस का चैप्टर चलता है। अगर यहाँ चार को आप ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो गलती कहीं होगी ही नहीं, और अगर आप इन चारों को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि किस प्रॉब्लम में कहाँ कैसे होता है, तो फॉर श्योर गलती होती है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये वाली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट लॉस के जो क्वेश्चन है ना वो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, इसमें कि 90% केसेस में जो स्टूडेंट क्वेश्चन गलत करते हैं वो यही करते हैं कि 15 में से 25% माइनस करके इधर ले आते हैं उसको, बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको 15 को इज इक्वल टू 125% करना है। बताओ अगर किसी को अभी कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो लास्ट वाला वापस बताना एक बार, वापस नहीं बोलो बोलो दोबारा, मतलब लास्ट वाला बताना। हाँ, लास्ट वाले क्वेश्चन में सीपी अगर 100% का हमारा 25% का प्रॉफिट है तो एसपी क्या बनेगा, 125% तो उसको इक्वल टू 15 रखना होगा आपको, कि 125% ऑफ सीपी इज इक्वल टू 15। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे कि आपने सोचा कि 25% प्रॉफिट करके अगर 15 बना था तो 25% इधर से माइनस कर दोगे तो वापस सीपी आ जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, देखो मैं करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने बोला एक नंबर मैंने लिया 100, हमेशा से परसेंटेज में यही चीज कर रहे हैं कि जिस रेट से इंक्रीज होता है
उस रेट से कभी कम नहीं कर सकते आप। मैंने बोला 25% से बड़ा तो 125 हो गया। अगर 125 को 100 बनाना है मुझे वापस, तो अगर मैं ये सोचूँ ना कि मैं इसे वापस अगर 25% कम कर दूंगा तो ये 100 बन जाएगा, तो वो मेरी गलत फहमी है। यहाँ से इसका 25% अगर आप करोगे ना तो वो कितना बनता है, देखो जिस रेट से मैंने इंक्रीज किया अगर आप उसी रेट से उसको कम करते हो वापस, तो ये नंबर आपका 100 से घट के कहाँ पहुंच जा रहा है, 93.75। और अगर ऐसा मैथमेटिक्स बिजनेस में उसमें यूज करोगे तो बड़े से बड़े हस्ती वालों के ना बंगले बिक जाते हैं, पता है, ऐसा बिजनेस करने में। तो कॉस्ट प्राइस से भी अगर कम पे सेल करोगे तो ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सपोज करो मेरा CP 100 है, आपने बोला कि मैं एक काम करता हूँ पहले प्राइस बढ़ा देता हूँ 25% से, और फिर 25% पे वापस डिस्काउंट दे देता हूँ ताकि कस्टमर भी खुश रहेगा, है ना। लेकिन अगर कस्टमर को खुश करने के चक्कर में अपना दिवाला मत बिठा लेना। अब जैसे हमेशा जो आप देखते हो 40% का डिस्काउंट लगाते हैं शोरूम में, 50% का डिस्काउंट लगाते हैं, या फिर लिखते हैं अप टू 80% डिस्काउंट, ये वाला जो ऑफर होता है ना हमारे लिए, ये सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाते हैं हमारा ना ये वाले लोग जो अप टू 80% डिस्काउंट लगाते हैं। क्योंकि जब आप इनके शोरूम में जाके एंटर करोगे तो सपोज करो इसमें एक्स वाई जेड तीन टाइप के प्रोडक्ट हैं, आपको ये एक्स टाइप का प्रोडक्ट अगर खरीदना है ना तो ये बोलेंगे इस पे तो 5% का डिस्काउंट है ना, कि आपको जो प्रोडक्ट परचेज करना है इस पे तो 5% का डिस्काउंट है। आप बोलोगे आपने तो 80 लिख रखा है, तो बोलेगा सर अप टू 80% लिख रहे हैं। अप टू 80% का मतलब होता है 0% 1% से लेके और 80% तक कोई भी डिस्काउंट हो सकता है। तो ये जो 80% डिस्काउंट रखते हैं ये उस प्रोडक्ट पे रखते हैं जिसको इन्हें डिस्कार्ड करने वाले होते हैं ना, सोचते हैं कि 80% का डिस्काउंट देके कहीं तो बिक जाएंगे। तो हमेशा डिस्काउंट के केस में या फिर प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में सारी चीज जो प्रॉब्लम करेगी वो यही चीज प्रॉब्लम करेगी कि जिस भी रेट से आपको इंक्रीज करना है सेम रेट से आपको डिक्रीज नहीं करना है। अब मैं बताता हूँ, एक डिस्काउंट कोई भी कंपनी अगर आपको देती है तो वो क्या करते हैं कि एक MR मतलब किसी CP पे किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, फिर उसको कुछ परसेंटेज बढ़ा देते हैं। कुछ परसेंटेज बढ़ाने के बाद MRP बनता है और MRP के बाद वो डिस्काउंट करते हैं, और वो इस हिसाब से डिस्काउंट सेट करते हैं कि कहीं इस जगह पे आके इस लोकेशन में आके वो मेरा प्रोडक्ट सेल हो जाए ताकि मुझे यहाँ पर कुछ प्रॉफिट हो जाए प्लस में। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में आपको आएंगे, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला किसी प्रोडक्ट को मैंने परचेज किया 100 रुपए का, तो मैंने बोला इसको ना प्राइस डबल कर देता हूँ, 200 बना देता हूँ इसका MRP मैंने इसका जो है 200 बना दिया। अब 200 से अगर सपोज करो आपको इसको 150 पे सेल करना है, अगर आप इसको रुपीज 150 पे सेल करना चाहते हो तो आपको यहाँ से 50 रुपये का अगर डिस्काउंट देना है तो आप 50 out of 200 × 100 करोगे, क्योंकि डिस्काउंट आपका MRP पे गिवन होता है, ये 1/4 होता है, 1/4 का वैल्यू होता है 25%, ठीक है। यही चीज अगर आपको यही प्रोडक्ट 150 की जगह सपोज करो 100 रुपये पे सेल करना होता, अगर 100 रुपये पे सेल करने का मतलब क्या था कि आप 100 रुपये का डिस्काउंट देते आउट ऑफ 200 जो होता है 50% डिस्काउंट, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, प्रोडक्ट मैंने 100 रुपये का परचेज किया, MRP उसका अगर 200 कर दिया तो इसका मतलब मैंने उसको डबल कर दिया, और डबल करने का मतलब होता है मैंने 100% से इंक्रीज किया है उसको, कि जितना भी पहले था
उतना और बढ़ा दिया, तो इंक्रीज मैंने 100% से किया, लेकिन डिस्काउंट सिर्फ 50% का देने की वजह से वो प्राइस वापस 100 पे आ गया। अब आप ये सोचो कि अगर मैंने 100% से इंक्रीज किया है और मैं कहने लगूं कि 100% से डिक्रीज कर दो, तो ये प्रोडक्ट कितने पे सेल होगा? बड़ा सा जीरो पे, है ना? समझ रहे हो ना बात को? यहाँ पर ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि 25% बढ़ाने के बाद जो भी प्राइस बना तो उसमें से 25% गलती से मत कम कर देना, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो ना, वहाँ तो चलो 25% का बात है, यहाँ पर अगर 100% बढ़ाया तो 100% अगर कम कर दिया तो प्रोडक्ट कितने पे सेल हो रहा है? जीरो पे। अब सपोज इससे भी बड़ा खेल दिखाता हूँ मैं आपको। अब सपोज करो आप लोगों ने प्रोडक्ट खरीदा 100 का, जो ये जो बड़े ब्रांड होते हैं ना जिनकी मोनोपोली होती है, जैसे वुडलैंड वगैरह टाइप के, या फिर एडिडास या बेनेटन वगैरह, ये लोग क्या करते हैं 100 रुपए का टी शर्ट खरीद के उसका एमआरपी रखते हैं 2000 रुपए। खैर इतना नहीं होता होगा, मैं एक बात बता रहा हूँ। सपोज करो आपने 500 का टी शर्ट खरीदा एक पीछे से मार्केट से और उसका एमआरपी सेट कर दिया 2000 रुपीज, तो 500 को 2000 बनाने का मतलब क्या होता है? कितना परसेंट बढ़ाया आपने? इसका प्राइस कितने परसेंट से इंक्रीज किया है? 300 आउट ऑफ 500 बढ़ाया, तो 300% से आपने इंक्रीज किया, ठीक है? अब अगर आपको वापस इसे सोचो, आपके 300% से डिस्काउंट देता हूं मैं, 300% का डिस्काउंट देता हूं, 300% का डिस्काउंट समझते हो, आपको घर से देने पड़ेंगे 4000 रुपए। 2000 का 300 कितना होता है? 6000। 6000 का डिस्काउंट समझते हो कि लॉकडाउन से भी बड़ी समाज सेवा करनी पड़ेगी तब ऐसा होगा। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जिस भी रेट से आप इंक्रीज करते हो उस रेट से आप कभी भी कम नहीं कर सकते हो, और उसका रीजन मैंने बार बार आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है कि जो यहाँ पर बेस होता है, मैं एक जेन्युइन सी बात बताता हूँ कि सारा जो फर्क पड़ता है वो बेस का फर्क पड़ता है। कि जब पहले केस में जब मैंने 100 से 150 किया तो वहाँ पर बेस जो था वो 50 आउट ऑफ 100 था, तो आपने बोला 50% से बढ़ेगा, लेकिन जब 150 को आप 100 बनाओगे ना तो यहाँ पर बेस बदल जाता है, 50 आउट ऑफ 150 हो जाता है, और इससे परसेंटेज वैल्यू जो है वो कम होनी करनी पड़ती है। ठीक है, आपको लॉजिकली दिख रहा होगा कि जिस रेट से आप बढ़ा रहे हो, बेस छोटा था परसेंटेज वैल्यू बड़ी थी, बेस बड़ा हो गया तो परसेंटेज वैल्यू कम होगी। ठीक है, चले आगे। तो इन चार प्रॉब्लम बताइए सर, जैसे इसके अंदर अगर ये क्वेश्चन होता कि 150 की जो अपनी एमआरपी थी उसमें उसने बोला कि 50% डिस्काउंट दिया है, अब उसकी करंट प्राइस क्या है, तो अपन उसके अंदर यही करेंगे ना, मतलब 50 upon 150 into 100, और फिर उसके एक्चुअल प्राइस कैसे निकलेगी? तो परसेंटेज निकला है, तुमने बोला कि 150 एमआरपी बना दिया, फिर आप अगर 50% डिस्काउंट दे रहे हो ना तो 50 out of 150 नहीं होगा, वो आपका कितने पे सेल होगा? 75। वहां तो लॉस हो जाता है ना, जिस रेट से आपने बढ़ाया अगर उसी रेट से आप कम कर दे रहे हो तो देखो सीधा सीधा 25 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी होती है कि जब भी मुझे कोई बिजनेस में अपने प्रोडक्ट का अगर प्राइस अगर मैं 20% से इंक्रीज कर रहा हूँ, अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा हूँ 20% से, तो कभी भी 20% का डिस्काउंट देने का तो सोचना भी मत, है ना? क्योंकि बहुत जल्दी ऐसा दिन आएगा ऐसे बिजनेस वालों के लिए, लोन वाले जो है दरवाजे पे सुबह सुबह के नाश्ते में आके मिला करेंगे डेली आपको। ठीक है, चलो ये चीजें आपको अगर चार चीजें समझ आ गई हैं इस स्लाइड पे कहता मैं,
इसको नोट कर लेना और हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका, ये चीज बहुत हेल्प करेगा। आप जब भी, जैसे मैंने परसेंटेज में बोला था, शायद आप सब लोग परसेंटेज कर चुके हो, मैंने परसेंटेज में आपको एक चीज बोली थी, थ्री टाइप्स ऑफ एक प्रॉब्लम कराई थी मैंने उसमें, और मैंने बोला था परसेंटेज की किसी भी टाइप का एक प्रॉब्लम इन तीन से अलग नहीं हो सकता। वैसे ही प्रॉफिट लॉस का होता है कि ये जो मैंने प्रॉब्लम आपको बताई गई, इसके आगे एप्लीकेशन पार्ट बहुत ज़्यादा वास्ट है प्रॉफिट लॉस का, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो है इन्हीं पे आगे सॉल्व होगा आपका। मैं एक दो क्वेश्चन पूछूं फिर बढ़ते हैं आगे किसी कंसेप्ट। चार क्वेश्चन है, मैं बोलता हूं कि किसी प्रोडक्ट का जो एसपी है वो आपका 27.5 रुपीज है, विद 10% प्रॉफिट, ठीक है, इसका सीपी क्या होगा, ये आप लोगों को करने हैं अभी, जल्दी बोलो करना शुरू कर दो आप लोग, मैं अगला क्वेश्चन लेकर आऊंगा। सर पहले वाले क्वेश्चन में 10% है कि 18 है? 10
तो पहले वाले का आंसर 25 आएगा क्या? हाँ पहले वाले का 25 है, ठीक है। सेकंड का 12, पहले फर्स्ट पहले वाले का आंसर है 25, सेकंड का आंसर है 12, थर्ड का 16.6 है क्या? लास्ट वाला समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है? ऑफर क्या है एक बार? लास्ट वाला क्वेश्चन आपने क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। There is an offer of buy 3 get 1 free. Get 1 है वो? तो थर्ड वाला नहीं समझ में आ रहा सर। थर्ड का 16.6 है क्या? यस, 16.6। देखो थर्ड का कुछ भी नहीं है, अगर सीपी आपका 100 रुपए, आपने इसको एमआरपी सेट करने के लिए 120 बना दिया। अब अगर वापस अगर इसको 100 रुपए पे सेल करना है तो 20 रुपए का डिस्काउंट दोगे ना? किस प्राइस पे दोगे? 120 वाले पे, तो 20 आउट ऑफ 120 इनटू 100, इतने का डिस्काउंट दोगे 1/6 का, और 1/6 होता 16/3। बस यही था क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन आपने वहां भी किया होगा कि जब सैलरी की बात कर रहा था कंपैरिजन के, कि बी की सैलरी इज 20% मोर देन ए की सैलरी, देन ए सैलरी इज 1% लेस देन बी सैलरी। इसमें यही हुआ ना, 100 रुपए वाला 20 से बढ़ जाता है, 120 बन जाता है। वापस अगर मुझे उसे 100 पे सेल करना है तो 20 रुपीस का डिस्काउंट देना पड़ेगा ना, आउट ऑफ 120 इनटू 100। सर वही 20% का डिस्काउंट कैसे पता कि देना है? 20% का नहीं, 20 रुपीस का बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा, 20 रुपीस, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। रुपीस में लिया प्राइस ना। सर लास्ट वाला बता दो, लास्ट वाला नहीं बन रहा। किसी से नहीं बना लास्ट वाला? नहीं पता है। 66.67 40%। एक मिनट से फिर रुक जाओ। ये क्वेश्चन तो अगर प्रॉफिट लॉस नहीं भी पढ़ते ना तो भी आप जनरली देख ही लेते हो, कहीं भी मार्केट में शॉपिंग के लिए जाते हो तो बड़ी सारी जगह ऐसे ऑफर लगे होते हैं। तो इसका मेन कंसेप्ट ये होता है, जब इसने बोला देयर इज एन ऑफर ऑफ बाय 3 गेट 1 गेट 2 फ्री, व्हाट इज द परसेंटेज डिस्काउंट इन द सेल? ओके यस सर, आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो 5, मतलब प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं 5, और वैल्यू आप कितने की पे कर रहे हो? 3 की सिर्फ। जैसे सपोज करो एक प्रोडक्ट मैं बोलूं 100 रुपए का,
एक प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपए का, 100 रुपीज का। आपको अगर 5 प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो 5 प्रोडक्ट का मतलब यू हैव टू पे रुपीज 500, बट यू आर पेइंग ओनली 300, क्योंकि तीन ही प्रोडक्ट का पे कर रहे हो आप। इसका मतलब ये है कि 100 का आपको डिस्काउंट मिला है आउट ऑफ 500, 200 आउट ऑफ 500। सर ठीक है, हो गया सर, गलत कैलकुलेशन सर। बट आपने तो यहाँ पे 100 रुपीज अज्यूम किया ना, अगर कुछ और प्राइस रेट होता तो कुछ भी ले लो, बताओ तो आप तुम बताओ प्राइस क्या लेना चाहोगे, बताओ सर। कुछ भी मतलब एनी प्राइस यू कैन टेक, उसी प्राइस के रिस्पेक्ट में भी परसेंटेज आएगा ना। भाई मैंने यहाँ 100 लिया तो ये 500 बना है, या मैं 1000 लेता तो ये 5000 बनता, या 1 लाख लेता तो ये 5 लाख बनता, तो इसी के रिस्पेक्ट में तो टोटल वैल्यू डिफाइन होगी ना। जब मैं 1 रुपया लूंगा तो यहाँ 5 रुपये बनेगा सर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 40% ही क्यों आया, मतलब हमें तो ये तो आपने अज्यूम किया ना कि 100 रुपीज है। मैं अगर कर रही होती सॉल्व, अगर मैं कोई और मान लेती तो मेरा आंसर बताओ तो क्या मानना चाह रही हो तुम। फॉर एग्जाम्पल 760 मान लेते हैं, 760 मान लो, चलो एक प्रोडक्ट का हो गया, तो 5 प्रोडक्ट का कितना बनेगा 5 × 760। यस, तो मेरे को कितना बनेगा इसका सम, 3800। 3800 ना, यस सर, ये बन गया 38000। ठीक है, मतलब आपको पे करना था 38000 5 प्रोडक्ट का, लेकिन आपने पे कितना किया सिर्फ 3 प्रोडक्ट का, 760 × 3 करोगे बताओ कितना होगा, 2280 होगा फिर। ये हो गया कितना, 2280 ना। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो कितना बनेगा, क्योंकि जब इनका डिफरेंस होगा वही तो डिस्काउंट होगा ना। 1520 आप देख लो, 1520 इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस वैल्यू 3800, 40% ही आएगा। तो बेसिकली मैं जो 100 वगैरह नंबर लेता हूं ना, वो इसलिए लेता हूं ताकि आपको इतने सारे स्टेप्स ना करने पड़े कि यहां देखो मल्टीप्लाई करना पड़ा, फिर इसको भी करना पड़ा, फिर डिफरेंस निकाला मैंने, है ना। अब मुझे इसका परसेंटेज भी चेक करना पड़ेगा कि 1520 इज व्हाट परसेंट ऑफ 3800, 40 आ रहा है सर, ये भी 40 है। बट मैं पहले से ही क्या करता हूँ कि नंबर हमेशा ऐसे लेके रखो आप कि जैसे परसेंट जो वर्ड है, परसेंट जो वर्ड है इसका मतलब ही पर से बना है, एवरी पर का मतलब ये होता है ना एवरी, और सेंट का मतलब होता है सेंचुरी। जो वर्ड ही 100 से डिफाइन हो रहा है ना, अगर आप 100 लेके करते हैं ना तो आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने में ना उतना एसएच प्रॉब्लम आता नहीं है। तो जैसे मैंने 100 रुपए कोई प्राइस लिया, तो मुझे जैसे कोई बोला कि 27.5%, तो मैं सीधा बोल दूंगा कि 27.5 ही होगा, क्योंकि अगर मैं कोई और प्राइस लेता हूं तो मुझे परसेंटेज फाइंड करना पड़ता है। चलो समझे, तो वैल्यू आप कुछ भी लोगे उसी के रिस्पेक्ट में टोटल बनेगा, परसेंटेज आपका हमेशा सेम आता है। ये तो हो गया आपका एक जनरल कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट लॉस का। अब एक चीज और मैं बताता हूँ, जब प्रॉफिट लॉस वो एसपी पे काउंट करने के लिए बोलता है, जैसे बोला कि 10% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप सेलिंग प्राइस पे 10% प्रॉफिट लगाते हो,
तो वही प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट होगा। ये सब ना ये क्वेश्चन आपको लग तो रहा होगा बड़ा अजीब सा, लेकिन पिछले कुछ स्लाइडों पे आप जाके देखोगे तो हमेशा से हो यही रहा है कि जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये वाली चीज बताया था आपको, जैसे मैं बोला कि सेलिंग प्राइस 150 है, इस वन और कॉस्ट प्राइस इसका 100 है। अगर मैं बोलूं कि मेरा 50 रुपए का प्रॉफिट, अगर मैं इस पे चेक करता हूँ 50 out of 150, तो इसका परसेंटेज वैल्यू बनता है 33/1/3%। लेकिन अगर इसी 50 को आप सीपी पे देखोगे 50 out of 100, तो ये 50% बनता है। तो परसेंटेज वैल्यू डिफर कर रही है ना, तो वहां पर जो ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने पूछा है कि जो आपको बोला है कि 10% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, तो इसमें आप सीधे सीधे एक काम किया करो कि जब सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट गिवन है तो आप ना एक सेलिंग प्राइस अज्यूम करो, और वो मैं अगेन बता रहा हूँ कि 100 मानना सबसे बेस्ट नंबर होता है, ठीक है? क्योंकि 100 का 10% कितना होता है, 10 ही होगा ना, 10 तो मैं बोला कि 10 रुपीस का मुझे प्रॉफिट है, तो सीपी कितना होगा बोलो। अगर मैं बोला मैं एसपी अगर 100 लिया और 10 रुपए का मुझे प्रॉफिट है, तो सीपी कितना होगा, 90 110 मत करना। अब सोचो ना 100 रुपए का प्रोडक्ट सेल करने पे अगर आपको 10 रुपए बच जा रहे हैं, इसका मतलब आपने उसे 90 का परचेस किया होगा, ठीक है? तो बोल रहा है कि यही 10 रुपए का प्रॉफिट जब आप कॉस्ट प्राइस पर काउंट करोगे तो वो कितना परसेंट बनेगा, तो आप बोलोगे 10/90 × 100, ये बनता है 1/9, और 1/9 का मतलब होता है 11/9%। पता होगा किसी को डाउट है इसमें, तो वैसे ही ये बोलता है जैसे 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस, वहां भी आप ये करोगे कि एसपी आप लोगे 100, लॉस इसका 25% है, तो मतलब 25 रुपए का लॉस है, तो इसका सीपी कितना होगा, 75 वाला है कोई, 125 होगा इसका सीपी लॉस। ओके सर, लॉस हुआ है, सॉरी। हाँ, बस यही चीज बस ध्यान रखनी है हमें ना। तो लगता है कि सीपी 100 एसपी 100 है, 25 का लॉस है तो 75 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। देखना पड़ता है कि 100 रुपए का प्रोडक्ट सेल करने पे अगर 25 रुपए का लॉस है, तो इसका मतलब वो 125 रुपए का खरीदा होगा। तो अब जब आपने इसी 25 को जब आप सीपी पे देखोगे, 25 out of 125 into 100 this would be equal to 20%। अब देखो परसेंटेज डिफरेंस आ रहा है ना, कि यही लॉस जब आपने एसपी पे देखा तो 25% है, अब इसी लॉस को जब आप सीपी पे देखने गए तो अमाउंट तो सेम है लेकिन परसेंटेज डिफर करती है, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ बेस वैल्यू जो आपकी चेंज होती है। यहाँ पर बेस वैल्यू आपकी 25/100 था, अब वहाँ पर 25/125 है, ये परसेंटेज वैल्यू 25 आई थी, है ना, और ये 20% आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मैंने बताया था बेस आपका बढ़ता है न्यूमरेटर सेम होने पे, परसेंटेज वैल्यू रिड्यूस होता है, ठीक है? क्लियर है सबको? सर इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 100/90 × 100 किया था, तो 100 तो एसपी था ना? नहीं, 100 मैंने एसपी लिया, ठीक है? हाँ। उसका 10% कितना होता है? 10 होता है, तो 10 रुपए का प्रॉफिट आ गया। तो एसपी से सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं?
एसपी माइनस प्रॉफिट, तभी तो सीपी आएगा ना। हाँ तो वो तो 90 आया ना। 90 आ गया। मैंने गलत दिखाया था, आपने सही दिखाया था। वही 10 रुपए का प्रॉफिट, वही 10 रुपए का प्रॉफिट जब मैं सीपी पे देखूंगा तो 1/9 हो जाएगा। मैंने दिखाया 100, सॉरी सर। ठीक है, अब ये चीज क्लियर हो गया ना, एसपी पे हम कैसे देखते हैं। चलो अब आते हैं कुछ थोड़े से एक नए कंसेप्ट। जैसे आपको बोला सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, निधि। हाँ सर, ठीक है, देख रही हूँ। इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। तो आपको बताना परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस क्या है इसमें। अब मुझे एक चीज बताओ, जो भी यहाँ पर डेटा आपके सामने है, जो भी लिखा हुआ है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, इस ट्रांजैक्शन में आपको परसेंटेज नजर आता है, परसेंटेज नजर आता है कि लॉस नजर, सॉरी प्रॉफिट नजर आता है कि लॉस नजर आता है, इन जनरल बताना सिर्फ क्या आप देख रहे हो। प्रॉफिट प्रॉफिट नजर प्रॉफिट देखो, अब इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। एक तो आप क्या करो ना, जैसे यहाँ 10 आर्टिकल है उसका एसपी है, ठीक है, यहाँ 12 आर्टिकल है उसका सीपी है, तो आप क्या करो 10 और 12 के कॉमन मल्टीपल में ना इनका एलसीएम ले लो। 10 और 12 का एलसीएम कितना होता है, ₹60। प्राइस तो इक्वल है ना दोनों का, तो मैंने बोला सपोज करो मैंने प्राइस ले लिया ₹60। अब आप बोलोगे जब ये 10 प्रोडक्ट ₹60 के हैं तो पर प्रोडक्ट का एसपी कितना बना, ₹6, और ये 12 है ₹60 के, ₹5 पर प्रोडक्ट। इससे आपको सीधा सीधा निकल के आ गया ना, ये ₹5 का आपने खरीदा और ₹6 का सेल कर दिया, पांच का खरीदा ₹1 का प्रॉफिट हुआ, ₹6 का सेल कर दिया, तो ये प्रॉफिट किस पे देखते हैं, 1/5 कॉस्ट प्राइस पे, 1/5 का आपका प्रॉफिट होगा एंड दिस विल बी इक्वल टू 20। ये सारे एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, लेके भी तो देखो वैसे भी सॉल्व होगा, अभी आपको यही चीज मैं डायरेक्टली भी दिखा सर। सीपी अगर सीपी एज्यूम करके करे तब भी आता है। सीपी 10 रुपीस तो 12 इंटू 10 120, और दूसरे का भी वो निकल आता है एसपी, तो वो 12 हो जाता है यहाँ पर ना। हाँ, यही है। एक प्राइस जो है ना वो कॉमन लेना, आप 60 भी ले सकते हो, 120 भी ले सकते हो, है ना। 60 के मतलब जो दोनों का कॉमन मल्टीपल हो, आप कोई भी प्राइस लेके करोगे आपका आंसर जो है वो यही आएगा। ठीक है पुण्य, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, किसी का रिक्वेस्ट है कि उनका इंटरनेट कनेक्शन कट गया था, पुण्य का। जैसे बोला एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। पुण्य समझ आवाज आ रही है अभी क्लियर? हाँ जी सर। ठीक है, तो मैंने बोला जैसे एसपी 10 का है और वही प्राइस जो है सीपी 12 आर्टिकल का है, तो मैंने बोला इनके कॉमन मल्टीपल में कोई भी एक प्राइस पिक कर लो, आप 120 भी ले सकते हो, 60 भी ले सकते हो, इवन 60 का कोई भी मल्टीपल 300, 600, 900 कोई भी ले सकते हो, पर मैंने बोला मैंने 60 लिया, तो ₹60 में अगर आप 10 प्रोडक्ट सेल करते हो तो पर प्रोडक्ट का जो प्राइस आता है एसपी जो आता है वो ₹6 पर प्रोडक्ट आता है, सीपी आता है ₹5 पर प्रोडक्ट, क्योंकि ₹60 में 12 परचेज किए थे आपने। तो अब ये सीधा सीधा हो गया कि ₹5 का आपने परचेज किया तो वो सीपी हो गया, ₹6 का सेल किया तो वो एसपी हो गया, तो 5 का परचेज किया, 1 का प्रॉफिट, ₹6 का एसपी हो गया। तो अब 1 का प्रॉफिट हम किस पे काउंट करते हैं, सीपी पे, तो 1/5 इज इक्वल टू 20%। एक तो ये चीज है,
दूसरा आप अगर डायरेक्टली देख सकते हो इसको, आप देखो इसने बोला SP of 10 articles is equal to CP of 12 articles, मतलब ये हुआ कि 12 आर्टिकल में जितने रुपए में आपने खरीदे उतने रुपए आपको जस्ट 10 आर्टिकल सेल करने से मिल गया। देखो ध्यान से सुनना कि 12 आर्टिकल, हाँ 12 आर्टिकल आपने जिस भी एक पोस्ट में खरीदे है ना, एक्स रुपीज में खरीदे, ये पूरा जो पैसा है ये आपको जस्ट 10 आर्टिकल सेल करने से मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ बाकी जो 2 आर्टिकल बचे वो आपका प्रॉफिट हो गया ना, और वो 2 आपका 10 पे काउंट करोगे क्योंकि आपकी कॉस्ट 10 की गई है, तो 2 अपॉन में 10 इनटू 100 इज इक्वल टू 20%। बट ये जो LCM वाला मेथड है इससे आपका एक्यूरेसी के चांसेस जो है वो पूरे 100% हो जाते हैं, इसमें गलत होने का चांस खत्म हो जाता है। यहाँ पर शायद आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो कि आपको ये वाला 2 जो है वो 10 पर लेना है कि 12 पर लेना है, क्योंकि कई बार यहाँ ना रिवर्स कर देता है, SP की जगह बोल देता CP of 10 आर्टिकल इज इक्वल टू SP of 12 आर्टिकल, तो वहाँ ये वाला जो चीज़ है थोड़ा सा कन्फ्यूज करेगा आपको, बाकी सोच सकते हो वैसे भी आप लोग ना, मतलब मैंने ये बोला। अच्छा अब ये बता दो, अगला क्वेश्चन एक था मेरे कंफ्यूजन, तो मैं बोला जैसे 12 आर्टिकल आपने जिस भी कोस्ट पे खरीदे उतना पैसा आपको जस्ट 10 आर्टिकल सेल करने से मिल गया, मतलब आपकी कोस्ट तो आ गई जेब में, अब जो 2 आर्टिकल है वही आपका प्रॉफिट होगा ना जितने पे भी आप उनको सेल करोगे, और वो आपकी कोस्ट कितने की गई है 10 आर्टिकल की, तो आप 2 ऑफ 10 कर दोगे तो वो 20% आ जाएगा। बताओ इशिता बोल पूछ रही थी ना कुछ शायद, नहीं तो मैं सर ने स्वास्थ्य का बताओ सर। हाँ जी एक क्वेश्चन है उसका मुझे मीनिंग समझा दो। मोनिका परचेस्ड अ प्रेशर कुकर एट 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस and sold it at 8% more than his selling price. Nine tenth of SP का खरीदा उसने। ऐसा करो ना जैसे SP suppose करो अगर 100 हुआ, तो उसने 90 पे खरीदा। ठीक है। And sold it at 8% more than its SP. 8% more than SP मतलब 108 में सोल्ड कर दिया। लेकिन थोड़ा सा बस एक 100 का सहारा लेके चलोगे तो बहुत इजी रहेगा। अब देखो ना मैंने एसपी किया 100 में, कोई और भी नंबर ले सकता था जिसका 9/10 किया जा सके, बट मैंने 100 क्यों किया क्योंकि मुझे पता है यहाँ से 8% बढ़ाना इज वेरी इजी, और फिर इनका डिफरेंस निकाल के परसेंटेज निकालना भी इजी है, तो मैं कोई और भी नंबर अगर लोगे आप तब भी। अब एक चीज और बताइए, अगर ऐसी एक क्वेश्चन निधि अभी भेजी थी उस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, वो क्वेश्चन पीछे चला गया चैट में। कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 19 आर्टिकल, बोलता है कि सीपी ऑफ 16 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 19 आर्टिकल्स। इस ये जो सेल आपको यहाँ नजर आ रही है इसमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस। क्लियर दिखता है बिल्कुल ना, मतलब जिस प्राइस पे मैंने 16 आर्टिकल खरीदे उतना ही प्राइस वापस ऑब्टेन करने के लिए 19 आर्टिकल सेल करने पड़ रहे हैं, सीधा सीधा मुझे दिखता है कि लॉस होगा।
अब इसको भी देखो वैसे ही करेंगे हम दोनों तरीके से, तो 19 और 16 का एलसीएम क्या होगा? मेरे ख्याल से 19 इज अ प्राइम नंबर, तो डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करके ही एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या होगा 19 इंटू 16 कितना बनता है? 304 एलसीएम हो गया। उसको आप 16 से डिवाइड करोगे तो 19 पर प्रोडक्ट आ जाएगा, और उसको 19 से डिवाइड करोगे तो 16 पर प्रोडक्ट आ जाएगा। मतलब आपने 19 में खरीदा, 16 में सेल कर रहे हो, तो लॉस हो गया आपका 3/19 × 100, और ये ऑलमोस्ट आपका 15% से ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा आएगा 16% के आसपास आएगा। तो इस तरह से आप कर लो। ये समझ आ रहा है ना सबको, ये क्या चल रहा है? तो इसको दूसरे वाले मेथड से बनाना है। दूसरे वाले मेथड से भी यही करोगे ना, जैसे जितने भी रुपए में आपने 16 आर्टिकल खरीदे, उतने रुपए ऑब्टेन करने के लिए आपको 19 आर्टिकल की कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, तो टोटल कॉस्ट आपकी 19 आर्टिकल की लगी है ना, पैसा आपको मिला 16 का, मतलब आपने 3 की एक्स्ट्रा पे की ना, तो 3/19 का लॉस हो गया। दूसरा वाला जो मेथड है ना वो एकदम से समझ आता नहीं है, ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो एलसीएम वाले से एक्यूरेसी अभी इनिशियली इसी से मेंटेन करो, बाकी ये सोच सकते हो। आप देखो ना, किसी भी प्राइस पे आपने 16 प्रोडक्ट खरीदे, उतने ही प्रोडक्ट का प्राइस वापस आपको रिकवर करने के लिए 19 आर्टिकल सेल करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब टोटल कॉस्ट आपकी जा रही है 19 की है ना, और एक्स्ट्रा कितने की जा रही है? 3 की, तो लॉस आपका जो हो गया वो 3/19 हो जाएगा। ठीक है, चार्जर भी लगा दिया। जैसे एक क्वेश्चन होता है कि सपोज करो मैंने आर्टिकल परचेज किए, शॉपकीपर परचेज्ड आर्टिकल्स एट 7 for ₹9 एंड सोल्ड, मतलब परचेज्ड मतलब हो गया सीपी हो गया, ये है ना, एंड सोल्ड मतलब हो गया एसपी, सोल्ड आर्टिकल एट 9 for ₹7। अब इसमें आपको प्रॉफिट दिखता है कि लॉस दिखता है? सर एक बार वापस क्वेश्चन बोलना, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। बोला शॉपकीपर परचेज्ड आर्टिकल एट 7 for ₹9 एंड सोल्ड आर्टिकल्स एट 9 for ₹7, मतलब हुआ कि 9 रुपए के 7 प्रोडक्ट परचेज करता है और 7 रुपए के 9 सेल करता है, तो यहाँ पर लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है? लॉस। निधि बताएगी इस क्वेश्चन को थोड़ा सा? निधि? हाँ सर। कोई अप्रोच है इसके लिए तुम्हारे पास, याद हो तुम्हें कुछ तो? एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का कॉस्ट निकाल सकते हो?
हाँ सर इंडिविजुअल का ऊपर वाला अगर निकालोगे तो 9/7 करोगे उसका सीपी आ जाएगा, इसका 7/9 कर दोगे तो एसपी आ जाएगा, डिफरेंस कर लोगे तो उससे प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा। So 0.5 0.5 प्रॉफिट 0.5% नहीं नहीं रुपीस बता रही हूँ यहाँ अपने इंडिविजुअल प्रोडक्ट का निकाला 9/7 और यहाँ कर दिया 7/9 तो 9/7 माइनस 7/9 करोगे एलसीएम आएगा 63 81 माइनस 49 कितना बचेगा ये 32 0.5 कहाँ से आ रहा है तुम्हारा ये एग्जैक्ट एग्जैक्ट नहीं होगा सर तो 32/63 आ रहा है ना 0.51 ये देखोगे ना ये देखोगे ना ये 32/63 जो है इस ये तो प्रॉफिट वाला पार्ट है कि लॉस वाला पार्ट है ना और ये जीरो ये 32/63 ये लॉस है आपका और ये भी तो देखोगे ना दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस क्या 9/7 ऐसे करते हैं ना हम कि दिस लॉस इज व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस इनटू 100 सॉल्व करो इसको ये बनेगा 32/63 इनटू 7/9 सर प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए तो हम शायद एसपी माइनस सीपी करते ना सीपी माइनस एसपी थोड़ी 41.6 आ रहे हैं उन मिला के डिफरेंस देखना है ना एसपी माइनस सीपी करते हो जब आपको प्रॉफिट देखना होता है अच्छा ठीक है सीपी माइनस एसपी करते हो जब आपको लॉस देखना होता है तो यहाँ पर क्या हो रहा था यहाँ पर मुझे सीधा सीधा दिख रहा है ना लॉस है इसका परसेंटेज बताओ कितना आ रहा है 32/81 39.59 कितने परसेंट का लॉस हो गया आपको 39.50 का अब देखो ये तो एक यूनिटरी मेथड हो गया नॉर्मल जो आपने सॉल्व किया है ना अब मैं आपको इसका ना एक बढ़िया जुगाड़ बताता हूँ देखो आपको बोला सीपी जो है वो है 7/9 और एसपी जो है वो 9/7 ठीक है अब देखो इसमें 7/9/7 है तो इसमें आप लोग क्या करो कि जो प्रोडक्ट है ना ये दोनों आर्टिकल है ना ये वाले आर्टिकल्स को ना सेम बना लो दोनों को तो देखो ये क्वांटिटी सेम करते हैं क्वांटिटी इनका सेम कर लोगे ना ये चुटकी में सॉल्व हो जाएगा इन दोनों को 9/7/63 बना लेते हैं ठीक है तो यहाँ 9/7/63 का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई 9 होगा 63.9 तो यहाँ भी 9 हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई 7 होगा तो मतलब यहाँ भी 7 हो जाएगा
इसका मतलब होगा आपका सीपी अगर आपका 63 प्रोडक्ट का 81 है ना, रुपीज 81 है अगर आपका सीपी, तो एसपी आपका 63 प्रोडक्ट का जो बन रहा है वो बन रहा है 49। ठीक है, और इसमें से आप डिफरेंस करोगे तो 32 रुपए का आपको लॉस हो रहा है, और यही 32 81 का कितना परसेंट है इनटू 100 कर दोगे तो यही चीज निकल के आ जाएगी जो यहाँ आई थी। या क्या हुआ पहले? हाँ इससे जो है तुरंत हो जाएगा, बताओ अगर किसी को डाउट है इसमें तो क्लियर हो गया ना ये कैसे हुआ है। yes, आप ध्यान रखना इसका प्राइस सेम करके भी वो निकल जाएगा, लेकिन बेटर होता है आप इसका प्रोडक्ट की क्वांटिटी सेम करो, इससे आपको सीधे सीधे ना प्राइस मिल जाएंगे दोनों के, सीपी भी मिल जाएगा और एसपी भी मिल जाएगा, और उससे आप जो है सीधा डिफरेंस पता चल जाएगा सीपी और एसपी का डिफरेंस क्या है। और अभी तक जितने भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है उसमें आपको एक बात तो समझ आई होगी कि वो पहले जो मैं एक स्लाइड पे चार प्रॉब्लम करवाया था उससे अलावा अभी तक भी हुआ नहीं है, है ना। ये वाली जो मैं स्लाइड करवाया था कहाँ हुई ये, उससे अलग कुछ हुआ नहीं है अभी तक। ये वाला जो मैंने अभी ये लास्ट क्वेश्चन कराया वो इस वाली प्रॉब्लम से, ये वाले से, इससे इनको ध्यान में रखते हुए सारे प्रॉब्लम्स अपना सॉल्व करते जाओ वन बाई वन। मैं आज ये वाली क्लास यहीं पर अपना लोग खत्म करते हैं, ठीक है, और कल को जो हम करेंगे वो करेंगे। सर एक लास्ट डाउट है, सर एक डाउट आया है, सर एक डाउट है सर। कल वाली क्लास में इसको ना कंसेप्ट पहले करना पड़ेगा, निधि मैं तुम्हें बता दूंगा डाउट, बाकी लोगों को नहीं पढ़ने पड़ने वाला ये फॉल्स रेट वाला होता है ना, मैं फोन पे बता दूंगा। इसका कल हम डिस्काउंट करेंगे, और ये जो क्वेश्चन अभी पूछा गया है इसके लिए कंसेप्ट करना पड़ता है, जहाँ पर एक शॉपकीपर जो है फॉल्स रेट यूज करता है और कोस्ट प्राइस पे सेल करने की बजाय वो क्या करता है, कुछ लोग चुंबक चिपकाते हैं तराजू में, उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें। और इसमें दो तरह की बेईमानी होती है, एक प्राइस से बेईमानी करते हैं और एक वेट से बेईमानी करते हैं, ठीक है। एक लोग केवल कस्टमर से बेईमानी करते हैं, एक लोग दोनों से करते हैं, कस्टमर से भी और जहाँ से वो खरीद के ला रहे हैं उससे भी, तो वो सारी चीजें क्लियर करना जरूरी है, अभी ये क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। और इसके